जब भी जंको का कुछ न्यू लॉन्च होता है तो वो स्पॉटिफाई प्रीमियम के स्टेशन हेड पर लाइव करते हैं और वो बहुत सारे आर्मी से बातें भी करते हैं। और रिसेंटली अपने एल्बम के लाइव आ जाने के बाद स्पॉटिफाई पे फिर से जंगकुक 2-3 दिन से लगातार लाइव आ रहे हैं और स्टेशन हेड पर आर्मी से बातें कर रहे हैं। लेकिन आर्मी, क्या आपको पता है कि अपने रिसेंट लाइव में जंगकुक ने फिर से इंडिया को मेंशन किया है, और ये सुनकर इंडियन बीटीएस आर्मी बहुत खुश हैं। लेकिन अगर आपको फुल डिटेल्स नहीं पता तो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो जंगकुक रोज शाम को स्पॉटिफाई पर लाइव आते हैं और आर्मी से ढेर सारी बातें करते हैं। वो कल भी लाइव आए थे, वो परसों भी लाइव आए थे, जहां पर उन्होंने आर्मी के लिए गाने गाए, आर्मी से बातें करी, अपने बारे में बताया और आर्मी की बातें भी सुनी। और उसी तरीके से वो कल रात को भी लाइव आए थे और उसके बाद वो सुबह भी लाइव थे, जिसके बाद रिसेंटली जब वो अपना लाइव खत्म करके वापस जा रहे थे तो बहुत सारे आर्मीज उनको लव फ्रॉम उनकी कंट्री के नाम से मेंशन करने लगी, जैसे कि लव फ्रॉम बांग्लादेश या फिर ब्राजील, इस टाइप से। तो जंगकुक सभी के कमेंट्स पढ़ रहे थे, तो जंगकुक ने एकदम से सभी के कमेंट्स पढ़ने शुरू किए, तो वो बोले लव फ्रॉम बांग्लादेश, ब्राजील, लव फ्रॉम कनाडा, लव फ्रॉम मलेशिया, मेक्सिको, लव फ्रॉम चाइल्ड, दुबई, कोलंबिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो सभी आर्मीज की कंट्रीज जंगकुक पढ़ रहे थे, जिसके बीच में किसी बीटीएस आर्मी ने इंडिया का नाम भी मेंशन किया हुआ था और जंगकुक ने फिर से इंडिया का नाम मेंशन किया। लव फ्रॉम बांग्लादेश, ब्राजील, लव फ्रॉम कनाडा, दे गोल्डन जेके, दे गोल्डन आर्मी, लव फ्रॉम मलेशिया, मेक्सिको, लव फ्रॉम चिले, दुबई, कोलंबिया, इंडिया, इंडोनेशिया। तो ये सुनकर आर्मीज को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले जब भी बीटीएस लाइव आते थे तो वो इंडियन बीटीएस आर्मीज को ज्यादा रिप्लाई नहीं दे पाते थे। उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उस टाइम पर इतनी इंडियन बीटीएस आर्मीज थी नहीं कमेंट्स करने वाली, बहुत से लोगों को भी नहीं पता था कि कहां पर जंगकुक से जाकर बात करी जाए या बीटीएस से बात करी जाए। लेकिन अब बीटीएस के मेंबर्स इंडिया के कमेंट्स को कभी भी इग्नोर नहीं करते। इससे पहले भी कई बार बीटीएस के मेंबर्स ने इंडिया के बारे में बात करी है, और बल्कि स्टेशन हेड पर ही जंगकुक ने इंडिया को दोबारा से भी मेंशन किया था एक बार पहले। तो ये न्यूज़ सुनकर और ये क्लिप सुनकर आर्मीज को बहुत अच्छा लगा, जहां पर जंगकुक इंडिया की बात कर रहे थे। बहुत सी इंडियन बीटीएस आर्मीज खुश हो गई, क्योंकि उन्होंने इंडिया कमेंट किया था, और डेफिनेटली किसी लकी इंडियन आर्मी को रिप्लाई भी मिल ही गया जिसने इंडिया बोला था। और इससे भी पता चलता है कि बाकी कंट्रीज के साथ बीटीएस के मेंबर्स इंडिया को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आर्मीज कमेंट करके जरूर बताओ मुझे कि आपने जंगकुक की स्टेशन हेड का ये लाइव सुना या फिर नहीं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।